हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फुलचंद और आप देख रहे हैं महात्मा टेक्नो। दोस्तों, अगर आप भी जॉब करते हैं तो आपके पास भी पीएफ अकाउंट होगा। दोस्तों, अगर आप आपके पीएफ अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको आपके पास यूएएन नंबर है बट आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आपका पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अपने फोन पे ही पासवर्ड रीसेट करके बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपके कमेंट पर मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है, यहाँ पर आपको ईपीएफओ डालना है और यहाँ पर जो पहली लिंक आ रही है उस पर आप क्लिक कीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा। आपको यहाँ पर सर्विसेज में एम्प्लॉयज पे क्लिक करना है और ये कुछ इस तरीके से स्क्रीन आने वाली है आपके पास। यहाँ पर आप मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर इस तरीके से कुछ स्क्रीन जब आएगी तो यहाँ पर आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। दोस्तों ये देखिए कि अब यूएन नंबर इंटर करने के लिए बोल रहा है, तो आपके पास एक यूएन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। देखिए मैंने यूएन नंबर डाल दिया है, अब ये कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहा है, सबमिट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए अब ये मुझे एक नई स्क्रीन पे लेके आ गया है, यहाँ पर मुझे नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ये वेरीफाई हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर मुझे कैप्चा डालना है और आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, आपका आधार कार्ड जो है वो वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ये चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ये देखिए अब आपका आधार कार्ड भी वैलिडेट हो चुका है और आपका मोबाइल नंबर भी वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है वो यहाँ डालना है। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। ये देखिए अब आपका ओटीपी भी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको ये न्यू पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है जो आपको हमेशा याद रहेगा, तो यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड डाल दीजिए। दोस्तों यहाँ पर साइट में एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिए एक बार। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका पासवर्ड किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला लिखा है कि पासवर्ड में कम से कम 7 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और कम से कम 4 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और 2 नंबर कम से कम होने चाहिए। पासवर्ड की लेंथ जो है वो 20 कैरेक्टर तक ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड डालना है। ये देखिए आपका पासवर्ड जो है सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अब आप आपका पासवर्ड डाल के लॉगिन भी कर सकते हैं। दोस्तों तो इस तरीके से आप यूएन नंबर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।